आंखें खराब। चलो बेटा प्लीज नाउ से प्रॉपरली लेट अस डू द स्पीड टाइप क्वेश्चंस बेटा। राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चंस, ट्राई आप सब करोगे ठीक है। आप मुझे आंसर बताओगे, आप मेरे साथ डिस्कस करोगे। आप में से कोई भी ब्लैक बोर्ड पे आ सकता है, किसी की भी टर्न आ सकती है। बी रेडी, नोट डाउन द क्वेश्चन फर्स्टली, ओके। नोट डाउन द क्वेश्चन, हाँ जी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 degree, ऑन द ग्राउंड इज 60 degree after a flight of 15 seconds, after a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. The angle of elevation changes to 30 degree. If the jet is flying at a speed of, if the jet is flying at a speed of जो है 720 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द कॉन्स्टेंट हाइट प्रोवाइडेड रूट 3 इज 1.732। जल्दी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स पिन अपनी वीडियो ऑन करके मुझे क्वेश्चन दिखा सकते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करोगे आप लोग, एंड शो इट टू मी, बी फास्ट, हरी अप। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 seconds, जल्दी बेटा, ट्राई टू ड्रॉ योर फिगर योर सेल्फ। जब ये करना आ जाएगा ना रायना, अपना करोगे। आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट जो है फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ए, मेरे पास जो है पॉइंट ए, एंगल ऑफ जेट फाइटर दैट इज गिवन टू मी 60 degree, ये लीजिए 60 degree, ओके। After the flight of जो है 15 seconds, the angle changes to 30 degree। अब उसने नहीं बताया किस तरफ जाना है ना, तो अगर इधर को जाएंगे, अगर मैं इधर को जाती हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन दिए 30 degree, तो मैं इधर को बनाती हूँ, ये पहले 60 दिया, ये 30 बड़ा हो सकते हैं, कैसे हो सकता है बेटा बताओ मुझे। लेफ्ट साइड पे मूव कर से करूं तो कि वो 30 degree हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस है वो जेट फाइटर इधर ही मूव करेगा, ये बनेगा 30, तभी एंगल बनेगा ना 30 degree। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको ये बात समझाई थी, गलती पता चली आप लोगों को ठीक है, यानी ये चीज कुछ नहीं आना मेरे पास, क्लियर। अब क्या करेंगे वो मैं बताती हूँ, पहले क्वेश्चन तो करो, मेरे पास हो गए, बताने लगी बेटा। अब मेरे पास हो गए, उसने कहा कि इफ द जेट इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ, ऑब्वियसली ये स्पीड दे दी मुझे 720 किलोमीटर पर आवर, मुझे हाइट बताना और टाइम दिया हुआ है मुझे कितना 15 seconds, ओके जी। अब मैं बिल्कुल जी, सबसे पहले है मैं स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दू करूंगी ना, तभी टाइम को सेकंड में, या टाइम्स को किस में चेंज कर लो, आर्स में, ये आप पे है, उसी हिसाब से अगर आप टाइम को आर्स में चेंज करोगे बेटा तो जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में आ जाएगा, अगर स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, क्योंकि उन्होंने एंड में हमें ये नहीं पूछा कि हाइट आप मीटर्स में निकालो या किलोमीटर में, नॉर्मली हम स्पीड को चेंज करते हैं ठीक है, स्पीड को चेंज। अब देखो जरा विवान, जो आपने पूछा देखो किलोमीटर है,
किलोमीटर को जब मीटर में जाते हैं तो 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मैंने किलोमीटर को चेंज किया मीटर में, 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पर आर है, टाइम नीचे है ना, देखा जाए तो 1 आर है, आर को किसमें चेंज करना है, सेकेंड्स में, तो 1 आर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600, या पहले मीटर में चेंज किया फिर सेकेंड में चेंज किया, ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया। ओके, ये 2 जीरोस कट गए, 36, ये 20, और ये 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मैंने तो ये डिस्टेंस देखना है ना बेटा, मुझे ये हाइट निकालनी है। अब ये डिस्टेंस मुझे पता लग सकता है, बता सकते हो कैसे, इतना डिस्टेंस मुझे पता चल सकता है। यस, बिल्कुल। अब हम 720 नहीं करेंगे, 200 मीटर पर से, है ना, तो मेरे पास कितना आएगा, इसको लेबल कर दें ए बी सी डी ई मेरे पास, तो मैं क्या करूं यहां पर, जो है ई ए इज इक्वल टू, देखो मैंने फॉर्मूला, अब ध्यान से राय ना देखना बेटा, स्पीड किसके इक्वल होता है बेटा, डिस्टेंस ओवर टाइम के, तो डिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, स्पीड इनटू टाइम, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना। अब मुझे स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है 200, टाइम कितना है मेरे पास, जो है दैट इज 15 सेकेंड। अब इसको करो तो ये 3000 जो है मेरे पास मीटर्स आप, ओके, अगर आप किलोमीटर में लिखते ना तो ये मीटर 3 किलोमीटर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। अब देखो यहाँ डिस्टेंस स्पीड वाला फॉर्मूला पहले लग गया, आपने देखना है कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है, समझ आ गए। अब मेरे पास ये डिस्टेंस पता है, अब अगर ये मेरे पास 3000 है तो बेटा ये भी 3000 ही होगा। ओके, इसको एक्स ले ले, ये एच ले ले, क्योंकि ये एच है तो इसको भी एच ले लेते। अब पहले छोटी ट्रायंगल फिर बड़ी ट्रायंगल, ठीक है, क्या करेंगे हम, मेरे पास होगा एच ओवर एक्स टेन 60, टेन 60 की वैल्यू रूट 3, तो एच इंटू एक्स, ये माफ कर दे, या आप एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स ही मैंने खत्म करना है ना, एच तो निकालना है, ये तब भी देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अगला देखते हैं, अब बड़ी ट्रायंगल में एच ओवर एक्स प्लस 3000 दैट इज टेन 30। ओके, तो अब एच इज ओवर जो है मेरे पास, लेट मी शो टू द स्टूडेंट्स, वेट वेट, चलिए, तो अब मेरे पास h ओवर x प्लस 3000 और tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो h इज इक्वल टू x प्लस 3000 बाय रूट 3। अच्छा आप x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, रूट 3x, पहले x निकाल लो, x आप यहाँ पुट करोगे तो h आ जाएगा, कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें, तुम्हारा जैसे दिल करता है निकालो। ओके, तो आगे हम क्या करेंगे, मैं फिगर रब कर रही हूं, मुझे फिगर की जरूरत नहीं है, मैं यहां सम करूंगी। देखिए मेरे पास ये था ना, मैं ये वाला दोबारा ऊपर स्टेप कर देती, रूट 3h x प्लस 3000, ठीक है जी, क्लियर, यही था ना मेरे पास, ये देखिए, तो अब मैं h की वैल्यू पुट कर रही हूं, रूट 3 एक्स, ये कितना हो गया 3 माइनस एक्स 2x, एक्स इज इक्वल टू 1500, एक्स क्या है, डिस्टेंस है, मीटर्स में है। ओके, अब मैंने क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू रूट 3x, रूट 3 1500, तो 1500 इंटू रूट 3, रूट 3 की वैल्यू मेरे पास होगा, हमने दी हुई थी ना 1.7321 दिया हुआ साथ में, नो 1.372, मल्टीप्लाई कर लो एंड यू विल गेट आंसर।
अब कई बच्चे डायरेक्टली यहां से एक्स की निकालते हैं, उनको वो पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते। ओके बात समझ आई बेटा सबको? चलो और करें ऐसे क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी कर लो बेटा कर लो। नहीं बेटा कोई गलती की होगी, आप दोनों ट्रायंगल्स को जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, आ ही जाता है। किसी एक को आपने सॉल्व करना है, आप जैसे मर्जी इलिमिनेट कर लो, क्यों नहीं आएगा? 100% आएगा। जब दो ट्रायंगल्स है दोनों में दो दो वेरिएबल है, एक एक्स एक एच, तो 100% आप करोगे किसी एक में से एक वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करो, कभी कोई गलती नहीं होगी, नेवर एवर। ठीक है जी ओके चले बेटा आगे देख लीजिए, सारे बच्चे देख लीजिए, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए, बस आज खत्म कर लेना हमने प्लीज कंस्ट्रक्शन का, कल मटेरियल सारे अपना मैनेज करके रखो। हर टाइप का क्वेश्चन मैं इसमें मैं कवर कर रही हूँ, चले ठीक है। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट। हाँ जी नाउ आई मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास जो है। अब क्वेश्चन देखिए, अमित स्टैंडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ, मेरे पास जो है फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 meters फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 degrees। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम अदर क्वेश्चन। अब उसने क्या कहा है देखना कि अमित जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब एक मान लीजिए रोड पे खड़ा है या नीचे खड़ा है, ठीक है। वो कह रहा है उसने एक बर्ड को देखा जो कि 200 meters फ्रॉम हिम है। अब नॉर्मली अगर अमित यहां है ना तो आप कहते हो अगर वो 200 meters है आप ऐसे ले लेते हो, am I right? बर्ड यहां है कि नहीं है? उसने कहा है कि जो 200 meters है ना वो पता क्या है, वो एलिवेशन पे है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं दिया उसने। ओके आई एम अगेन रिपीटिंग द स्टेटमेंट, आप नोट डाउन कर सकते हो, अमित स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड, अमित स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन finds a bird flying at a distance of 200 meters, finds a bird flying at a distance of 200 meters from him at an elevation of 30 degrees, means this is 200 meters and with the 30 degrees, ठीक है। जितना अभी तक लिखा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 meters फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 degrees, फिगर बन गई ना इतनी। अब आगे उसने क्या कहा, दीपक स्टैंडेड ऑन द रूफ ऑफ 50 meters हाई बिल्डिंग। अब दीपक खड़ा है एक रूफ पे जो कि 50 meters हाई बिल्डिंग है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड जो है टू बी 45 degrees। अब उसने कहा कि अब दीपक कहीं छत पे खड़ा है, ऑब्वियस है कहीं यही होगा ना ऐसे है ना, और ये बर्ड जो को देख रहा है लेकिन ये 50 meters हाई बिल्डिंग पे खड़ा है और एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है बर्ड की, और वो कितनी है 45 degrees। अब 45 बनाने के लिए मुझे ये एक्सटेंड करना पड़ेगा ना बेस, क्योंकि दीपक तो यहां खड़ा है वो यहां से बर्ड को देख रहा है, अब ये 45 degrees हो गया। बात समझ आई क्लियर पता चला? अब उन्होंने कहा है बोथ अमित एंड दीपक आर ऑपोजिट साइड ऑफ द बर्ड, उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ द बर्ड है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक, मुझे जो है दीपक और बर्ड का मतलब मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना, ये डिस्टेंस।
आई नीड टू कैलकुलेट दिस। मैंने सब कुछ फिगर में आपको बताया। अब मुझे इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, करना ही पड़ेगा ना, तभी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल लगे। ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैं यहां से क्या सोचूं, मैंने फटाफट सोच लिया, एक सेकंड में ही फिगर देख के मैंने देख लिया मुझे कैसे करना है, क्या करना है। मुझे पता ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एम आई राइट? मेरे पास ये पूरा दिया हुआ, इससे या तो मैं ये निकाल सकती हूँ या मैं ये निकाल सकती हूँ। मैं किसको निकालूं, नीचे वाले को? नीचे वाले, एक मिनट, अगर रायना कहती है कि मैम ये नीचे वाले को निकालो, अगली ट्रायंगल मेरी ये है बेटा, इसमें ये नीचे वाला यूज होगा कहीं? पूरा पूरा आएगा ही नहीं किसी ट्रायंगल में, कोई फायदा ही नहीं। मैं ये निकालूं पूरा, उसका बेनिफिट क्या होगा? इस छोटी ट्रायंगल में ये पूरे में से ये माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। जब ये आ गया, एंगल दिया, तो मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकती हूँ कि नहीं? ऐसे सोचना है अपने पेपर में। अगर कोई एक्स्ट्रा सम आ जाता है, मुझे ये पता है, मुझे ये दिया, मैं या ये निकाल सकती हूँ या ये निकाल सकती हूँ। मैंने सोचा मैं देखूं, ये तो मेरा इस ट्रायंगल में कहीं आ ही नहीं रहा, मुझे नीड ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में क्या आ गया, मैं ये निकालूंगी, उसमें से 50 माइनस कर दूंगी, मेरी ये साइड आ जाएगी। फिर इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और एच पी बाय एच लगाऊंगी, साइन 40 बाय, मेरे पास एच आ जाएगा, मैंने वही निकाल। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें फिगर बनानी सीखनी है, बस आपने फिगर समझ लिया, अपने आप आपको डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मैं कौन सी ट्रायंगल हूं, मैं क्या करूं, मेरा क्वेश्चन समझ आई मेरी बात? देख लो, अब करने की जरूरत तो नहीं, कर सकते हो सारे बच्चे? श्योर? हर्षिता, इशिता, ईशाप्रीत, हाँ, आंसर इसका नोट कर लीजिए, 50√2। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट करें एक। चलिए लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर क्वेश्चंस। राइट डाउन द एंगल ऑफ एलिवेशन, नोट करोगे बेटा तभी आपको स्टेटमेंट का पता चलेगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ ए वर्टिकल टावर, और टावर जो भी आप प्रनाउंस करते हो, ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। What does it means? Its tangent is 5/12. Haan ji? Yes, that means tan theta is 5/12 beta. Tan theta is 5/12. Okay? हमें ये दिया हुआ है. Now what they have written? कैसे मतलब? हाँ तो आई जा, हम तो रेशियो ही ट्रीट करते हैं ना बेटा हर एक में, है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट वो क्या कहते हैं। ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टूवर्ड्स द टावर, जो है द इन द स्ट्रेट सेम स्ट्रेट लाइन द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फाई इज फाइंड टू बी 3/4। वो कहते हैं अगर मैं यहां से स्ट्रेट टावर की तरफ जाऊं, स्ट्रेट लाइन में जाऊं, 192 मीटर्स, तो मैंने देखा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो फाई बन गया, एंड टैन ऑफ फाई जो है वो दिया हुआ 3/4। वो बच्चे स्टेटमेंट पढ़ते हैं उनको लगता है पता नहीं क्या टेंजेंट दे दिया, क्या दे दिया, वो टैन ही हुआ है क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म में टेंजेंट को टैन बोलते हैं, 3/4। ओके, नाउ व्हाट दे हैव रिटन, फाइन, हाँ इधर वाला ही दिया क्योंकि वो कह रहा है कि वो मूव कर रहा है टावर की तरफ, टू वर्ड्स द टावर मीन्स हम इधर कोई मूव करेंगे, उधर को नहीं जाएंगे,
ओके अब उन्होंने कहा हाइट ऑफ द टावर कैलकुलेट कीजिए, आई नीड टू कैलकुलेट दिस एच, क्या करेंगे फिर बनाओ जल्दी करो, ऑल ऑफ यू मेक इट राइट ना, जल्दी जल्दी समझ आया क्वेश्चन? हाँ बेटा कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा एक टावर की हाइट देखी है हमने, हमें नहीं पता वो हाइट कितनी है, बट वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ऑन द रोड या फ्रॉम अ पॉइंट गिवन पॉइंट, और उसका टैन ऑफ दैट एंगल थीटा इज गिवन टू मी 5/12 एंड आफ्टर मूविंग 192 मीटर टुवर्ड्स द टावर अगेन द टेंजेंट ऑफ दैट एंगल 5 दैट इज गिवन टू मी 3/4 फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, क्या कर लो इसको एक्स ले लो इसको एच ले लो, एच बाय एक्स टेन फाइव, अरे बेटा टेन फाइव की तो सीधा वैल्यू दी है 3/4, घबराना क्यों? ओके अब अगला एच ओवर 192 प्लस एक्स टेन थीटा दैट इज 5/12, ओके ऐसे किया वेरी गुड, अब क्या करें, या तो दोनों तरफ से पहले एच एच कर लो या पहले ही एच एक्स निकाल लो, एक्स निकाल लो, एक्स मेरे पास क्या है, इसको उधर ले जाओ इसको उधर ले जाओ 4/3 h पुट हियर क्योंकि h निकालना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ h, बताइए कितना आंसर है, हां जी 180 चेक इट, 180 इज द आंसर गिवन टू मी, प्लीज चेक इट ऑल ऑफ यू, सक्षम देखो जरा मिस्टेक देखो क्या हुई आपसे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे देखें, क्लियर हुआ सबको कि नहीं बेटा? हाँ जी जी आर डन, हाँ जी महक, हाँ जी हर्षिता, ईशाप्रीत, रियान, दक्ष, दिव्यांश बेटा ओके ओके जिया, जसलीन, हरलीन, परमवीर, चाहत, वनीता, बानु, चले बेटा अगले क्वेश्चन में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, फिफ्टीन मिनट फ्लाइट वाला हो गया ना हमारे से, एक वो और क्वेश्चन था हमारे पास, चलो इवन डू वन मोर क्वेश्चन, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट, द elevation of its summit is 45 degree. पहले statement note कीजिए, after then we will do the question. Okay? After ascending 1200 meter towards the mountain up. अब ध्यान से देखना. After ascending 1200 meter towards the mountain up, a slope of 30 degree, a slope of 30 degree inclination is found to be 60 degree, is found to be 60 degree, find the height of the mountain. फिगर देखे जरा इसकी, बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, अदरवाइज मुश्किल नहीं है, सिर्फ बच्चों को स्टेटमेंट पढ़ के समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है. ओके व्हाट इज रिटन हियर, देखिए एट अ फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री, मान लीजिए मेरे पास ये जैसे ऐसे माउंटेन होती है ना, ऐसे माउंटेन होती है कि नहीं, हम एक पार्ट ऐसे ले रहे हैं और समिट मतलब एंडिंग पॉइंट,
यहां पर उसने कहा यहां से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन लिया था ये 45 डिग्री एक साइड पे, ओके ये बात समझ आई। अब उसने कहा आफ्टर असेंडिंग 1200 मीटर टू वर्ड्स द माउंटेन अप, अब वो कह रहा है कि मेरे को ना 1200 मीटर ऊपर चढ़ना है, लेकिन जो चढ़ना है ना वो स्ट्रेट माउंटेन पे नहीं चढ़ना, उसने क्या कहा है कि अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन, वो कहता है कि मैंने जो अप जाना है ना माउंटेन की तरफ वो बेस के साथ 30 डिग्री पे मैंने इंक्लिनेशन लेके मैंने 1200 ऊपर चढ़ना है, सीधा नहीं स्टीप हो जाना, यहां नहीं मैंने 1200 चढ़ना, मैंने बेस के साथ 30 डिग्री एंगल पे एक इंक्लिनेशन पे स्लोप पे, स्लोप ढलान मैंने आगे भी बताया हुआ आप, ओके कि 30 डिग्री पे मैंने 1200 जो है वो कवर किया। अब यहां पर 1200 पे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो 60 डिग्री है, दिस इज द क्वेश्चन 12, मैं बताती देखिए समझिए, ये मेरे पास ना ऐसे माउंटेन है, ऐसे माउंटेन ठीक है, यहां बेस है ओके, मैंने सीधा इस पे नहीं चढ़ना, इस माउंटेन पे ऐसे नहीं 1200 चढ़ना, मैंने यहां पर कहीं पे ऐसे इस माउंटेन के, ये मेरा ग्राउंड है ना, ग्राउंड पे थोड़ा सा 30 डिग्री एंगल पे मैंने ऐसे 1200 चढ़ना, और यहां पहुंच के मैंने फिर माउंटेन का क्या देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, वो कितना आया 60 डिग्री, बस ये क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, वो कभी कह देते हैं हमने 1 किलोमीटर चढ़े, कभी कह देते हैं 1200 मीटर चढ़े, कुछ भी। अब फिगर समझ आ गई आपको, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये कुछ नहीं, ये तो माउंटेन का पार्ट है। अब मुझे कहा गया है व्हाट इज रिटन, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन, मतलब मुझे ये कैलकुलेट कर, अब कुछ सोचो क्या निकालें, क्या करें हम, व्हाट वी विल डू, ये वाली छोटी ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें 30 डिग्री दिया हुआ, उससे ये बेस निकल आएगा, उससे ये भी आ जाएगा, दोनों की जरूरत है हमें, है ना। अब मैं बड़ी ट्रायंगल ले लू पूरी, है ना, बड़ी ट्रायंगल में एच और ये पूरी का भी आ जाएगा, फिर मैं ये छोटी ट्रायंगल ले लू, मेरे को ये पूरा उनका रिलेशन पता है, मैंने ये निकाल चुकी हूँ, उसमें से मैं ये माइनस कर दूंगी तो जितना ये उतना ये आता है, वो इन टर्म्स ऑफ एच ही आएगा, है ना। फिर इस ट्रायंगल में मैं ये और ये यूज कर लूंगी, और ये मैंने निकाला हुआ है, पूरे में से मैं ये माइनस कर दूंगी तो इतना पता चल जाएगा ना मुझे, तो वो एच माइनस समथिंग अपने आप मेरा आंसर निकल आया, मैंने भी तो सोचा ही है ना, बात समझ आई कि कई बार आप देखो खुद देखो, वैसे तो ये 3 एंगल्स का है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बट इसको 2 में चेंज करके सेम एंगल, यहाँ कह दिया अभी 60 है तो यहाँ पर भी 60 कुछ ऐसे कर दे, कुछ भी कर दे तो आ सकता है ना, तो इसीलिए मैंने करवा दिया, बात समझ आई। अदरवाइज 3 एंगल्स वाले एग्जाम्स में नहीं है, विवान ने कहा था मैम वो समझ नहीं आया, यही क्वेश्चन था ना, अब क्लियर हो गया मैम, अदरवाइज दैट आर नॉट इन सिलेबस बट फॉर योर नॉलेज, हमने कुछ छोड़ना नहीं है, किसी भी सेम 2 एंगल्स कर दें तो वो तो कहेंगे 60 60 और एक 45 दो ही हो गए जी, तो कर लो जी, है ना। वैसे भी वर्डिंग किसी और में भी यूज हो सकती है, तो मुझे लगता है यू हैव टू डू इट, क्लियर। हाँ जी क्या कहें, मैंने आपको ये कहा कि पहले ये 30 डिग्री वाले में से ये भी निकाल लो ये भी निकाल लो, फिर मैंने आपको कहा कि पूरी बड़ी ट्रायंगल ले लो, बड़ी ट्रायंगल में से आपके पास ये और इधर से ये आ, ओके फिर ये छोटी ट्रायंगल लो, तीनों जितने एंगल्स है ना उतनी ट्रायंगल्स लेनी लेनी, और देखना एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकल, समझ आ गया कहां पर। हाँ ऑब्वियस है, एक बी एच भी लेना और बेटा मेरे पास पी एच साइन भी यूज करना, क्योंकि दो इस ट्रायंगल में 2 चीजें यूज होनी,
दोनों मैंने क्वेश्चन मार्क तभी डाला। ओके अब सब्स्टिट्यूट करके देखना, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क मी टुमारो, बट बी रेडी विद टुमारो कंस्ट्रक्शन मटेरियल। पहले एनसीईआरटी करेंगे फिर एक्स्ट्रा करेंगे, दो दिन में कंस्ट्रक्शन बड़े आराम से हो जाए। ओके क्लियर। उसके बाद आपको कोई लगता है कि पहले हमने वो चैप्टर करना है तो हम वो कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है ओके बेटा गुड बाय।